तो गाइस सुबह के 5 बज गए और आई थिंक अपना 8 बजे की फ्लाइट है। तो हम लोग रेडी वेडी होके अभी निकल रहे हैं। यार मैं तो सो ही नहीं पाया हूँ लिटरली, पता है। भी जाके मैं कैब में सोऊंगा, जाके फ्लाइट में सोऊंगा और उधर जाके भी सोऊंगा, क्योंकि कल रात मैंने 4 या 5 घंटा स्ट्रीम किया और तुम्हें पता है ये हमारा भाई रेगुलर स्ट्रीमर है। हैदराबाद जा रहे हैं अपन रेडबुल के इवेंट के लिए, तो बाकी अपडेट्स देता रहूंगा। तो चलो आगे चलते हैं। तो अपन वहाँ पे जा रहे हैं वो इवेंट विटनेस करने के लिए। क्या इवेंट में अपन पार्टिसिपेट भी करने वाले है ना, तो करते हैं, फन करेंगे, बहुत मजा आने वाला है और व्लॉग जरूर आएगा। टीम में नहीं दिलूंगा इससे कुछ नहीं अबे हाँ अबे ओवेस है भाई, तो तेरे फैंस भर देंगे कमेंट में है ना, सोल ओवेस। What's up guys? तो ऐसा हो गया हमारे साथ, हम लोग ने होटल में बैग दे दी ऑलरेडी अपनी, 20 मिनट्स बाद रूम मिलेगा, तो हम लोग आगे स्ट्रीट फूड खाने, तो हम चिकन सैंडविच का वेट करें। हो गया 20 मिनट्स लेटर। तो गाइस हम लोग ने अभी जस्ट सैंडविच खा के जूस पी के अब हम लोग जा रहे फ्रेश होने, फ्रेश होके फटाफट चलते हैं उधर। तो गाइस अपन फाइनली रूम में आ गए, 12:15 है और कॉल टाइम आई थिंक 12:30 है। फटाफट फ्रेश होके चलते हैं। तो गाइस तुम्हारा भाई फाइनली रेडी हो गया, तो चलते हैं, चलो। किसकी गाड़ी थी पता नहीं, 1 मिनट हम लोग को देखने के लिए बुलाया, गाड़ी तो है 1 मिनट। अरे वो चलाने नहीं पता नहीं ना, है तो होगी दो लोग फाइट है ना, दो लोग बैठ सकते हैं। कौन सी गाड़ी चला रहे तू से क्या बोल रहा है, पैसा नहीं है अभी अभी आया हूँ मैं, 1 साल हुआ है, कहाँ से पैसा, 4 साल से हम इधर। तो गाइस यहाँ पे ना ऑलमोस्ट आई थिंक 20 से 30 गाड़ी है, तो आई थिंक उधर बहुत ज्यादा आवाज है, तो आई डोंट थिंक क्योंकि मैं उनके बारे में बोल पाऊंगा, बट यहाँ पे अपने 3-4 है मेन गॉडलाइक रेडबुल SA12 और स्विगी इंस्टामार्ट का है पूरा, मतलब ऐसे रियलिस्टिक लग रही है सारी गाड़ियाँ, क्रिएटिविटी तो है इनमें, सारे अच्छे मेरे को, बट 2-3 ऐसे मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं जैसे ये वाली, बाकी अच्छे है मतलब डिसेंट है सारे, तो आई थिंक लास्ट में बता पाऊंगा मैं आपको, क्योंकि बहुत उस साइड तो बहुत ज़्यादा आवाज़ है, तो मेरा आवाज़ कैप्चर नहीं होगा। टॉयलेट पेपर लगा रहा यार, फाइनली हम लोग सारे कार्ड देख के आ गए, बढ़िया थे यार, मतलब अच्छे लगे, बट हाँ मतलब 1 ब्लेड वाला बेटर था सबसे, है ना, क्योंकि लंबा है और स्पीड में जाएगा ना वो। हाँ भाई स्पीड में तो जाएगा, बढ़िया लगा मेरे को, जो लंबा होता है ना वो बहुत स्पीड में जाता है। तो फिर भाई का एक्सपीरियंस है। तो अभी हम लोग ने सारे कार्ड देखे, ऑलमोस्ट 30 तो होंगे भाई आराम से, 30 तो नहीं बट 20 के अराउंड है शायद, 20 के अराउंड तो है, 20 से 30 तो यार बढ़िया बढ़िया थे, मतलब कुछ एक तो टॉर्टोइस था, एक कप भी देखा था मैंने, कप भाई सबसे बढ़िया था रेडबुल का, वो टॉयलेट बना दिया था इंडियन टॉयलेट, बाद में रियलाइज किया जब जग देखा। अरे मेरे को खुद को नहीं, मेरे को इन्होंने आके बताया कि भाई एक बार देख, एक बार मैं अच्छे से देखा क्या है इसमें, बकेट क्यों रखा है ऊपर, मैंने बाद में नोटिस किया ये तो टॉयलेट है, तो अच्छे से रेडबुल का टॉयलेट। अब बस वेट
कर रहे हैं कि वो ट्रैक पे जब सब दौड़ेगी तो कैसी लगेगी और क्या उसका मतलब जो मजा होगा ना वो ट्रैक पे ही पता चलेगा। तो आई थिंक आधे घंटे में इवेंट भी स्टार्ट हो जाएगा तो उसी का वेट कर रहे हैं हम। 10 मिनट में 10 मिनट में स्टार्ट हो जाएगा तो उसी का वेट कर रहे हैं यार। मजा आएगा मेरे को तो एक्साइटेड। चलो चलते। Are you being kind, but thank you. Yeah. So Lundi, we were discussing this only. Goblin, Ovais, everyone knows. अरे तुम्हारे बचपन का नहीं है, हमारे बचपन का बचपन है। But इनके बचपन में ज़्यादा आते हैं। हम 25-30 के हो गए तब भी हमारा बचपन है। हाँ, अरे आप 28 के हो यार। So nice. जितनी बार जाता हूँ उतनी बार नए लोग मिलते हैं। Everyone has been part of my journey and feels like really blessed. तो गाइस फिलिप्स 100 कार्ड तो अपन ने देख लिया, तो बाकी के कार्ड देखते हैं। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, चलो दिखाते तुम लोग। तो गाइस अभी तक आई थिंक भाई बहुत ही थक गया मैं पहले तो, बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। एटलीस्ट हम लोग 2 घंटे से खड़े ही थे, अभी फाइनली आके बैठे हैं। मज़ा आ रहा है, मतलब देखने में तो बहुत मज़ा आ रहा है, अभी बैठ के तो और मज़ा आ रहा है देखने में। आगे अपना शायद 2-3 बाद है, तो अभी सोल ने सबसे आई थिंक बेस्ट किया ना, एसटीएम ने सबसे बेस्ट था। तो गाइस थोड़ा स्टार्ट अच्छा था काफ़ी, बट बीच में थोड़ा इधर उधर हो गया, तो कुछ नहीं यार, नेक्स्ट टाइम और अच्छा करेंगे। बाकी यार मज़ा आया बहुत इवेंट में, डांस मेरे को अच्छा लगा पर्सनली। मैं होता तो पक्का इसके आधे मार्क्स मिलते हैं, तो इन लोगों ने तो अच्छा ही किया मेरे आँखों में। बाकी अगली बार फिर से करेंगे यार ट्राई, और अगली बार बेटर करेंगे। तो गाइस फाइनल इवेंट ख़त्म हो गया, हम लोग ने बहुत एंजॉय किया। लाइक यार मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो मेरे को तो बहुत मज़ा आया यार, क्योंकि मतलब ना ऐसा था कि सारे कार्ड्स रेस कर रहे हैं, मतलब बहुत लोग आए थे, मेरे को पहले लगा नहीं था ये इतना इंटरेस्टिंग होगा इवेंट। चलो वो तो है एक बात कि हमें ड्राइव करने नहीं मिला तो, बट कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। लास्ट इवेंट नहीं है आई थिंक, ये फर्स्ट इवेंट था इंडिया में ऐसा जो रेडबुल ने किया था, और फिलिप फन ब्लेड ने हमें इनवाइट किया था, तो बहुत मतलब लिटरल बता रहा हूँ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और आई थिंक अब तो मैं हर बार जाऊँगा, क्योंकि मैं पहले जाता नहीं था, मतलब वो रहता था ना कि यार मन नहीं कर रहा, बट आई थिंक अगली बार से मैं डेफिनेटली जाऊँगा, क्योंकि यार मज़ा आता है लोगों को मिलके, व्लॉग बना के फैंस भी मिलते हैं तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं नॉर्मली बाहर जाता नहीं हूँ ज़्यादा। तो अभी जैसे ये इवेंट आ गया और एक इवेंट आ गया कोई, तो उधर जाके लोगों को मिलके यार फन होता है यार, तो इवेंट तो बहुत प्यारा था। पर ठीक है, टोटल हम लोग कितने बजे है, 1 बजे है इवेंट पे, उसके बाद एकदम प्रॉपर मैनेजमेंट रहता है ना वो था, 3 बजे तक हम लोग ने वो पूरा कंटेंट जो भी रहता है वो बनाया, और 3 बजे से इवेंट स्टार्ट हो गया सीधा, गाड़ियाँ आने लगी रेस पे, और 5 बजे निकल गए, डन विद द डे। आप लोगों को बहुत जल्दी अगला व्लॉग भी मिल जाएगा। लव यू ऑल यार, ख्याल रखो अपना, और इट्स टाइम टू एंड द व्लॉग, सी यू गाइस वेरी सून।